गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम हिंदी में पुनरावृत्ति करने वाले हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति को हम इंग्लिश में रिवीजन कहते हैं। पिछली क्लास में हमने मात्राओं की पुनरावृत्ति की थी, लेकिन आज हम खाली स्थान की पुनरावृत्ति करेंगे। आपके पास प्रश्न है, चित्र देखकर नाम लिखो। बच्चों, सबसे पहले जब भी आपके प्रश्न को करते हैं तो उससे पहले आपको चित्र को देखकर पहचानना है और उसके बाद चित्र का नाम खाली स्थान में लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। आपके सामने यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये है बाजा वाला आया। देखिए बेटा, जब भी हम कोई फिल इन द खाली स्थान करते हैं तो आप सबसे पहले वहाँ देखिए कि वहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वाला आ की मात्रा है, आया यहाँ भी आ की मात्रा है, तो जो चित्र है वो भी आ की मात्रा से ही होना चाहिए। तो चित्र है बाजा, बाजा वाला आया, बाजा बाजा वाला आया। अगला प्रश्न आप पढ़ना शुरू कीजिए। काला काला डैश गरजा गरजा, काला बादल बादल गरजा, आकाश आकाश डैश चला। तो सबसे पहले आपको चित्र देखकर पहचानना है कि ये चित्र किस चीज़ का है। चित्र में नाव है, तो आकाश किसी बच्चे का नाम हुआ, नाव यहाँ पर हम लिखेंगे, ना आपकी मात्रा की आवाज़ है, वो नाव चला। लता लता, छाता छाता ला, तो आप यहाँ लिखेंगे छाता छाता। छाता किस लिए लिखा है आपने? क्योंकि यहाँ पर जो चित्र है वो छाते का है। तो सबसे पहले आपको चित्रों को पहचानना है और उन चित्रों को पहचान कर आपने रिक्त स्थान के अंदर लिखना है। अब आपके पास अगला प्रश्न है, फिर दोबारा से चित्र का नाम लिखकर खाली जगह को भरो। चित्र का नाम लिखकर, इसका मतलब पहले आपको चित्रों को पहचानना है, उसके बाद आपको नाम लिखना है। क, आपका प्रश्न नंबर क है, यहाँ पर आप चित्र देखिए, चित्र किस चीज़ का है? चित्र है पेड़, तो आप यहाँ लिखेंगे पेड़, पर म ऐ मई न आना मैना, बैठी थी। अगला प्रश्न देखिए, ख पेड़, अब चित्र किस चीज़ का है? चित्र को पहचान करके बताइए चित्र किस चीज़ का है। चित्र है सेब, पेड़ सेब का था, ठीक है। ग नंबर का प्रश्न है, आप चित्र देखिए, चित्र किस चीज़ का है? चित्र है मैना की आवाज मीठी थी, तो आप यहाँ लिखेंगे मैना की आवाज मीठी थी। एक बार जब आप वाक्य को लिख लेते हैं तो उसे पढ़कर अवश्य देखिए, क्योंकि पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि जो शब्द हमने लिखा है वो सही है या नहीं है। तो शब्द लिखने के बाद, चित्र का नाम लिखने के बाद, एक बार आप शब्द को पढ़ के ज़रूर देखें। ओके, नाउ अगला प्रश्न आपके सामने आता है, चित्र पहचान कर बताइए ये चित्र किस चीज़ का है। चित्र में थैला, आप यहाँ लिखेंगे थैला,
थैले में फल रखे हैं। ओके, थैले में फल रखे हैं। खालिस्तान में कुछ इस प्रकार के खालिस्तान भी होते हैं, जैसे शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शब्दों को पढ़ना है जो आपके पास दिए हुए हैं। जैसे आपके पास दिया है कसरत, आपके पास एक शब्द दिया है कसरत, दूसरा शब्द दिया है समय, तीसरा शब्द जो दिया है वो है पढ़, और चौथा शब्द है चक। तो सबसे पहले आपको शब्दों को पढ़ना है, उसके बाद आपको इन शब्दों को खालिस्तान में भरना है। और भरना कैसे है, सबसे पहले आप वाक्य को पढ़ेंगे और उस वाक्य में कौन सा शब्द लगेगा उसको आप सही रूप से लिखेंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अ स ल म असलम डैश पर पर उठ उठ, असलम डैश पर उठ, असलम समय पर उठ। तो यहाँ आप लिखेंगे स म य समय पर उठ। अगला प्रश्न है उपवन उपवन में डैश कर, अब उपवन में क्या कर, क स र त कसरत। तो आप यहाँ लिखेंगे क स र त कसरत कर। अगला है शहद शहद पढ़ या चख, दोनों में से क्या आएगा, क्योंकि शहद को हम लोग पढ़ नहीं सकते लेकिन शहद को हम लोग चख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा शहद च ख चख। ओके, अगला प्रश्न है सबक सबक सबक, अब आपके पास ऑप्शन रह गया है पढ़ पढ़ सबक पढ़, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पढ़। एक बार मैं दोबारा से सारे वाक्यों को पढ़कर बता रही हूँ। शब्दों को चुनकर, सही शब्द को चुनकर आपको खालिस्तान भरना है। असलम समय पर उठ, उपवन में कसरत कर, शहद चख, सबक पढ़। अगला प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे की करो। सही शब्दों को चुनकर वाक्य पूरे करने का मतलब है कि आपके पास दो शब्द दिए हैं, आपको दोनों शब्दों में से एक शब्द को छांट करके वाक्य के खालिस्तान की जगह पर लिखना है। तो आपका पहला प्रश्न है दिन दिन डैश आया, तो यहाँ पर आपके पास दो हैं निकल निकल या निकले निकले, तो मुझे लगता है यहाँ पर आएगा निकल, क्योंकि दिन निकल आया। अगला प्रश्न है रचित रचित डैश बजा रहा था, रचित गिटार बजा रहा था, गिटार गिटार बजा रहा था। नीता नीता डैश पकड़ पकड़ रही रही थी, आपके पास ऑप्शन है मछली मछली, तितली तितली। देखिए नीता डैश पकड़ रही थी, नीता मछली तो पकड़ नहीं सकती लेकिन तितली को वो पकड़ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर तितली आएगा, ती त ली तितली, नीता तितली पकड़ रही थी। मिनी मिनी डैश लाई थी, अब मिनी क्या लाई थी, चीनी या लीची, मिनी लीची लाई थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ली और ची लीची। अब मैं दोबारा से सारे वाक्यों को पढ़ रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। दिन निकल आया, रचित गिटार बजा रहा था, नीता तितली पकड़ रही थी, मिनी मिनी लीची लीची लाई थी, मिनी
लीची लाई थी। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। नेहा नेहा डैश देखने गई। आपके पास ऑप्शन है मेला महिला, तो यहाँ पर मेला, क्योंकि महिला तो हम देख नहीं सकते, तो यहाँ लिखेंगे मेला। ओके, माता के डैश छुए। माता के डैश छुए पैर या पैर? पैर, तो आप यहाँ लिखेंगे पैर। माता के पैर छुए। सुबह डैश पर निकल। सुबह सैर पर निकल, तो आप यहाँ लिखेंगे सैर, सैर पर निकल। दादी जी की डैश टूट गई। आपके पास ऑप्शन है अनक या फिर ऐनक, तो आपके पास ऑप्शन है ऐनक, ऐनक, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऐनक। तो एक बार मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। नेहा मेला देखने गई। माता के पैर छू। सुबह सैर पर निकल। दादी जी की ऐनक टूट गई। बेटा, सबसे पहले आपको सही शब्दों को चुनकर वाक्य पूरा करना है। तो सबसे पहला काम आपको जो खाली स्थान है उसे पढ़ना है। उसके बाद आपके पास जो दो ऑप्शन दिए हैं, दो आपके पास शब्द दिए हैं, उन दोनों शब्दों को पढ़ना है। उन दोनों में से एक शब्द को छांट करके आपको खाली। चित्रों को देखकर शब्दों को पूरा करो। सबसे पहले आपको चित्र को देखना है, उसे पहचानना है, और उसके बाद आपको लिखना है। तो सबसे पहला चित्र मुझे यहाँ पर छाता नज़र आ रहा है, और दूसरा चित्र मुझे तारा दिखाई दे रहा है। अब आप इसे पूरा करेंगे। छाता, छाता, ऊपर से नीचे की तरफ छाता और नीचे से तारा, तो ये हो गया छाता तारा, ठीक है। अब अगला जो है, आप यहाँ पर पहले चित्र को देखेंगे, उसे पहचानेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है बाजा, और मुझे यहाँ पर ये बादल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाजा, बाजा, बा द ल बादल। तो ये यहाँ से ऊपर से बाजा और नीचे की तरफ से आएंगे तो बादल, तो आपका जो वाक्य है वो पूर्ण हुआ। अब यहाँ से जो वाक्य आप दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है। अब अगला चित्र पहचानिए। यहाँ पर लिखा है, मुझे चित्र दिखाई दे रहा है अनार, और दूसरा चित्र मुझे दिखाई दे रहा है रथ, तो मैं लिखूँगी अ ना र अनार। सीधा देखने पर ये अनार है, और नीचे की तरफ देखने पर ये रथ रथ है, अनार रथ। ओके, आपके पास फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन ये इक की मात्रा का प्रश्न है। चित्र देखकर शब्दों को पूरा करो। तो सबसे पहले मुझे चित्र देखना है और पहचानना है। चित्र मुझे दिखाई दे रहा है तकिया और नीचे मुझे चित्र दिखाई दे रहा है किसान, ठीक है, तो आप उससे पूरा कीजिए त की या तकिया की सा न किसान, तो ये आपका वाक्य जो है वो पूरा हो गया। जो शब्द है वो बिल्कुल सही है, यहाँ से देखने पर वो तकिया शब्द बना है और नीचे की तरफ से देखने पर वो किसान शब्द बना है, ठीक है। अब अगला चित्र देख करके पहचानिए। आपके पास अगला चित्र है, मुझे यहाँ पर ये सीढ़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये सीटी दिखाई दे रही है, यानी कि ऊपर की तरफ से देखें तो सीढ़ी
सीढ़ी और नीचे की तरफ से देखें तो सीटी, ठीक है, सीढ़ी सीटी। ओके चलो अब अगला चित्र देखते हैं। चलिए अगले चित्र में आपके पास है नाशपाती और तीर। तो नाशपाती ना श पा ती, नाशपाती और नीचे की तरफ से तीर, तीर, तो तीर, ठीक है। तो आपका जो वाक्य है बेटा वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। जब आप उसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपका वाक्य बिल्कुल आपके चित्र से मिलान होना चाहिए। अगर आपके चित्र से मिलान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो शब्द आपने बनाया है वो बिल्कुल गलत है। तो प्लीज़ आप पहले चित्र को पढ़ लेंगे, चित्र को पढ़ने के बाद उसके नाम को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न, सबसे पहले आप चित्र को पहचानिए। चित्र है पैर और यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो पैरासूट है, ठीक है। तो पैर, पैर, पैरा शूट, शूट, पैरा शूट। यहाँ से नीचे की तरफ अगर आप इसे देखेंगे तो ये बन रहा है पैर, और ऊपर की तरफ से जब इसे सीधा लेके जाएंगे तो ये बन रहा है आपका शब्द पैरा सूट, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, आपका जो ये चित्र है वो थैला लगता है मुझे, और दूसरा जो चित्र मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे केले का दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की तरफ से आप बनाएंगे केला, केला, आपका शब्द बना है केला, केला, और यहाँ से बना है थैला, थैला, केला, थैला। ओके अब अगला जो प्रश्न है उसे देखिए, ये है करेला। यहाँ जो चित्र मुझे दिखाई दे रहा है वो करेला है, और नीचे की तरफ से मुझे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है रेलगाड़ी, ठीक है। तो करेला पहले से पूरा कीजिए, क रे ला, क रे ला, करेला, और नीचे की तरफ से ये पढ़ने पर क्या लग रहा है, रेलगाड़ी, रे ल गा डी, रेलगाड़ी, करेला, रेलगाड़ी। अगला प्रश्न आपके पास है शब्द बनाओ, ठीक है। आपको व्यंजन के साथ मात्रा को मिलाकर के एक शब्द बनाना है, म ध ऊ र, मधुर, मधुर। तो आप यहाँ लिखेंगे म धू र, मधुर। अगला शब्द पढ़िए, म थ ऊ र आ, मथुरा, मथुरा, थू र, मथुरा। अगला प्रश्न पढ़िए, अ न ऊ नु, अनु प म, अनुपम, अ नु प म, अनुपम। च आ चा, क ऊ कु, चाकू। च बू त रा, चबूतरा। च बू त रा, चबूतरा। अगला प्रश्न आपके पास है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। तो वर्ण जोड़ना शुरू करते हैं, ब ऐ ल, बैल। तो आपने यहाँ पर बनाया बैल। ज ल ए ब ई, जलेबी। र मे, र के साथ एक ही साउंड है, र ए, रे श म ई, रेशमी। तो आप यहाँ लिखेंगे र ए रेश मी, रेशमी। ख प
र ऐ ल खप रैल। तो आप यहाँ लिखेंगे ख प रई ल खप रैल। ल आ ला ल टे ट को एक ही साउंड आ रही है टे न लाल। पहले आप इसको आधा जोड़ेंगे लाल टेन। तो आप यहाँ लिखेंगे ला ल लाल टे न टेन लाल टेन। ठीक है, अगला है क ऐ कई म र आ। क के साथ ऐ की साउंड है क कई क के साथ ऐ की आवाज़ आ रही है कई म रा कई मरा कई मरा। चलिए अब हम सारे शब्दों को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। बैल जलेबी रेशमी खपरैल लालटेन कैमरा। आई रिपीट अगेन, बैल यहाँ पर आई की मात्रा की आवाज़ है, जलेबी यहाँ पर एक की मात्रा की आवाज़ है जलेबी, रेशमी खपरैल लालटेन कैमरा। तो इस प्रकार से आपने शब्दों को जोड़ना सीखना है।